हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आप सोच रहे होंगे आज नंगा सा, आंखों में आंसू। तो मैं अभी नहाने जा रहा था तो ये पंकज को कही थी नाश्ता बनाने की। तो ये है वो शख्स जिन्होंने मेरी आंखें बिल्कुल लाल कर दी है, पानी भर दिया आंखों में। तो अब मैं नहाने जाता हूँ। पंकज की उंगली कट गई थी कल, आपने देखा होगा वीडियो में, तो इसलिए कटिंग मैंने कर दी है। तो चलिए नहा लेता हूँ मैं, पानी आ रहा है, फिर मिलते हैं आपसे। मेरे नहाने में अभी थोड़ा और विलम्ब होएगा। अब ये टमाटर और दे दिए इसने कि इनको भी काट, क्योंकि इसकी उंगली पे लगी है, राइट हैंड की उंगली पे, जिससे कटिंग होती है मेन वो। चलिए करते हैं। और प्याज इसने पहले ही डाल दिया मांसे ने, अब ये जल ना जाए तो पहले काटना पड़ेगा, फिर मिलते हैं आपसे जब। फाइनली मैंने कर दिए हैं टमाटर भी और अब इसने डाल दिए हैं प्याज, जलने से बच चुका है और बन खिंच रहा है सारा सिस्टम हो रहा है इसके लिए। मैकरोनी बन रही है आज। तो चलिए अब मैं नहा लेता हूँ फटाफट, फिर मिलते हैं आपसे आगे। अभी नहा के आ गया नीचे और ये आज बाल मेरे बहुत बेकार हो गए, आज मैं शैम्पू लगा लिया इनमें तो बिल्कुल अजीब से हो गए बाल, मज़ा नहीं आ रहा। और आज मौसम बिल्कुल देख सकते हैं आप पीछे, धूप, कल का मौसम और आज का मौसम में पूरे दिन का ही डिफरेंस है वैसे तो, मतलब दिन रात का अंतर है। तो कल बिल्कुल अंधेरा था, आज पूरा उजाला है। तो चलिए अब नाश्ता कर लेता हूँ मैं भी, आज बनाए रखे मैक्रोनी। सो अभी टाइम हो रहा है शाम के 5:15 और आज हमने मोमोज भी बना रखे हैं दुकान के लिए अपने, बनाए हमने क्या, पंकज ने बनाए मेन तो सारी चीज़। तो आपको दिखाता हूँ कैसे बने, देख सकते हैं आप, मोमोज बना रखे हैं पंकज ने दुकान के लिए, मतलब बेचने के लिए। बाकी लुक तो बहुत सही लग रहा है, खाने में भी अच्छे ही हैं। कल खाए थे हमने, कल तो बढ़िया बनाए थे, आज अभी टेस्ट नहीं करें, बाकी कस्टमर बताएंगे अब खा के कैसे बने कैसे नहीं। चलिए इनको भी नीचे ले चलते हैं। अभी टाइम हो रहा है 6:30 और मैंने सोचा नींबू पानी पी लेते हैं थोड़ा। नींबू पानी के पैकेट ये लॉकडाउन से पहले ले आए थे हम, और उसके बाद ज़्यादा पिए भी नहीं, कभी कभी पिए थे, कभी कुछ बनाते जा रहे थे, तो आज फिर पीते हैं इसको, है बढ़िया है बहुत। सो अभी हमारे साथ है सोनू भाई, और सोनू भाई ने आज शेविंग करवा ली है, फ्रेंच कट दिखा दो यार एक बार। फ्रेंच कट नहीं है, बिल्कुल क्लीन है, देखिए आप क्लीन में कैसे दिखते हैं भाई। कोरोना चल रहा है, चलो नहीं दिखा रहे, ये सस्पेंस बना रहे हुआ वीडियो में, अगली वीडियो में दिखाने कह रहे भाई। और वैसे हमारे उत्तराखंड में लगभग सोनू नाम से बहुत भाई होंगे, आपको पता होगा सोनू, जिसका नाम सुरेश होगा वो सोनू होगा, और भी नाम होते हैं ना सोनू, मतलब लगभग सोनू नाम तो वैसे इंडिया में बहुत ट्रेंडिंग नाम है। आज दूसरा बंदा आपको सोनू मिल जाएगा, लड़का लड़की ना, लड़की का कम लड़कों का ज्यादा, लड़की का भी होता है। अच्छा, हाँ तो मतलब सोनू नाम बहुत फेमस है, तो भाई का नाम बहुत ही प्रचलित नाम है और अपने गाँव में तो बहुत फेमस है। सुरेश नाम से कोई नहीं जानता, सोनू नाम से सब जानते भाई को। सो आज सोनू भाई हमारे मोमोज खिला रहे हैं हमको, ऑर्डर दे रखा है, ये देख सकते हैं आप, देख सकते हैं ये सेव जल्दी दिखा दी पहले ही, मतलब मैंने कही थी अगली वीडियो में दिखाएंगे, भाई ने खाने के लिए तो खोलना ही पड़ा मास्क, तो देख लीजिए आप, क्लीन सेव करवा लिए बताओ। चलिए हम भी खाते हैं मोमोज एक आधा। देखा होगा अभी ये यात्रा चल रही है, आजकल लोग नहीं है, पहले बीच में एक दो दिन लोग भी थे साथ में जुड़े हुए, तो हवन का एक वो चल रहा है साथ में यहाँ पे, पॉजिटिविटी फैलाने के लिए लोगों के मन में, ताकि थोड़ा आस्था रहे। तो ये प्रसादगिरी मंदिर है, बाबा प्रसादगिरी मंदिर झज्जर, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मंदिर कौन सा है, तो वो चला रहे हैं ये, ताकि थोड़ा बहुत जो भी आपको पता है हवन का धुआं कितना मतलब फायदेमंद होता है, तो इसलिए चल रहा है जो भी है, बढ़िया है। 31 दिन का प्रण ले रखा है, अभी रोज चलेगा ये, मतलब 31 दिन तक पूरे शहर में घूमेंगे अलग अलग जगह। बाकी पहले लोग भी जुड़ रहे थे, पर अब खाली 2 जने जा रहे हैं, और हवन आपने देखा होगा, हवन के कढ़ाई में पूरा हवन का धुआं है, उसमें जो भी सामग्री वो डाल के धुआं निकल रहा था, देख सकते हैं आप। आज फिर मेरे कपड़े पहन लिए, NCC की टी-शर्ट, NCC में NCC का स्टूडेंट था ना, तो वॉलंटियर कैंडिडेट कैडेट कहते हैं वैसे तो, NCC का कैडेट था मैं, तो आज मेरी टी शर्ट पहन ली फिर इसने, और पबजी खेल रहा है आराम से, हेडफोन भी मेरा ही। तो गाइस मैं था जो कॉलेज टाइम में था, NCC का कैडेट रह चुका हूँ, और उस टाइम पे पहले मेरे को ले नहीं रहे थे क्योंकि हाइट थोड़ी कम थी, तो फिर उनने यूँ देखा कि एज बंदे की अभी 16.5 साल है तो बढ़ सकती है हाइट भी, तो इस चक्कर में मेरे को ले लिया था। और मेरे पास अब NCC का C सर्टिफिकेट भी है, मैंने 3 साल में NCC पूरी कम्प्लीट करी है, 3 साल की ट्रेनिंग पूरी जो होती है। अभी टाइम हो रहा है 8:15 और ऊपर आ रखा हूँ मैं, और ये पैर में पता नहीं क्या हो गया मेरे, दिखाता हूँ आपको, मम्मी कह रही है किसी ने दांत का निशान है, क्या है देखना आप। सो गाइस ये पता नहीं पैरों में क्या हो गया मेरे, एक छिल रखा लग रहा है मेरे को, तो मम्मी कह रही दांत मारा है किसी ने, यहाँ पे कहाँ से आएंगे सांप सूंप ऐसे दांत मारने के लिए, ये देख सकते हैं। बाकी कोई नहीं, छोटी मोटी ऐसी चोटों पर ध्यान भी नहीं देता मैं।
चलता रहता है। ऐसी छोटी मोटी चोटों पे ध्यान तो देना नहीं चाहिए, सब अपने ऊपर वाले के भरोसे छोड़ देते हैं इन चीजों को तो। मतलब ज्यादा थोड़ा बहुत छील रखा है, क्या है, फर्क भी नहीं पड़ता इतना तो। कल के मौसम और आज के मौसम में दिन रात का अंतर रहा। कल बारिश हुई थी बढ़िया से, ये कपड़े देखिए कल वाले भी आज ही सूख रहे हैं इसलिए। और बाकी आज गर्मी बहुत है इसलिए कपड़े सारे आज ही सुखाए। आज ये शैम्पू लगाया था तो ये बाल इतने बेकार हो गए ना मेरे, मजा नहीं आ रहा। और वो मेरे को पता नहीं था, मैं डबल शैम्पू लगा दिया, दो शैम्पू लगाए बताओ इस बाल पे इतने से पे, तो बाल ऐसे खराब से हो गए। आगे शैम्पू नहीं लगाना मैंने सोच लिया, वैसे ही धो लेंगे, भली होता अपने साथ। बुरा कब हुआ, भल मतलब अच्छा हुआ। तो अभी आ रखे ऊपर खाना खाने, कच्चा कहाँ रहा है बीच, तो सो अभी आ रखे ऊपर हम खाना खाने। रात के हो रहे हैं 9:20, तो खाना खा लेते हैं। और खाने से पहले सदा हाथ धोना कभी भी ना भूलेंगे हो, दूसरा भी धो लेता हूँ कैमरा रोक के। आज खाने में हमारे कल की भिंडी आलू की सब्जी मेरे लिए, और गधू की सब्जी कद्दू की प्लस रोटी, बाकी अचार खा लेंगे थोड़ा सा। तो चलिए मिलते हैं खाने के बाद। सो गाइस अभी खाना खा के आ चुके नीचे, और टीवी पे आ रहा हमारा बचपन का शो, दिखाता हूँ आपको। सो ये शो आ रहा अपना शकलका बूम बूम, जो बचपन में खूब देखा था हमने। टाइम हो रहा है 10:40, और मैं आज आपको दिखाऊंगा कि मैं पबजी कैसा खेलता हूँ। तो चलिए देखिए, मैं एक टीडीएम मैच लगा रखा है उसको खेलूंगा मैं, बहुत ही पिरो खतरनाक वाला खिलाड़ी हूँ मैं, देखिए मैच। सो गाइस स्टार्ट हो चुका हमारा मैच, 12 सेकंड का समय शेष है, तो इतने हम कर लेते हैं कॉमेंट्री। मेरे पास है M24, और ये देखिए पट ऐसे करके मारते हैं। बाकी मेरे को ज्यादा खेलना नहीं आता है, पर फिर भी हम कोशिश करेंगे उड़ाने की। My mistake. कैसी लगी? कैसी लगी? सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, हमको देखने के लिए बैठे हैं दारा सिंह। अबे मेरे को मारने दो अरे का दौर, या मैं ही मरूंगा। सो गाइस फाइनली लास्ट में मैं ही मरा हूं, देखा। सो गाइस मेरी तरफ प्रो खिलाड़ी कोई हो जब मेरे को चैलेंज देना चाहता हो तो आ जाए ना, पूरे 4 किल किए, 4 होगा। आपने M24 जिससे मैं पहली बार खेल रहा था, पहली क्या मतलब एक दो बार और खेला हूँ, मेरा खेलना मेरे को सही में नहीं आता, पर टाइम पास के लिए बहुत सही चीज़ है ना। देखा होगा आपने 4 बंदे मारे मैंने मजाक में, और मेरी वजह से टीम हारी है, लास्ट बंदा मैं ही था मरने वाला भी। तो बस यही था आज की वीडियो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, चलो।